औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल खबी अब्बासी हाई कोर्ट एडवोकेट AIMIM इनखला पार्टी स्पोक्स पर्सन आपसे मुखातिब करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि करंट इशू पिगासिस का जो शरा जो एक जासूस कंपनी है, इसराइल बेस्ड कंपनी है, और ये लोग ये करते हैं कि जो रूलिंग पार्टी रहती है, जो गवर्नमेंट रहती है, उनको जो है सो सप्लाई करते हैं अपोजिशन के जो है सो पूरा इनके जो भी बातचीत होती है, इनकी जो सीक्रेसी होती है, इनकी जो प्राइवेसी होती है, ये लोग जो है सो टैप करके ये लोग इन्फॉर्मेशन बेचते हैं। तो बड़े अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ही इनके सर्विसेज लेता है। क्या इतना घबरा गया है, क्या इतना बौखला गया है कि ये जो है सो किसी की प्राइवेसी में एंटर होते हैं, विच इज़ एन ऑफेंस, इट इज़ अ वेरी बिग क्रिमिनल ऑफेंस। हुएवर ही मे बी, वॉट एवर ही मे बी, हाउएवर बिगर ही मे बी, एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, नोबडी इज़ अबव द लॉ। तो मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये मुतालबा करता हूँ कि ये दोनों पे जो है सो रिज़ाइन करना, ये दोनों, और दोनों पे कानूनी कार्रवाई करना चाहिए और दोनों को जेल को भेजना चाहिए, ताकि आने वाले एक तारीख बन जाए, आने वाले हालात में तारीख बन जाए कि नोबडी इज़ अबव द लॉ, एवरीबडी इज़ बिफोर द लॉ। सबको मालूम होना चाहिए कि क्राइम इज़ क्राइम, ऑफेंस इज़ ऑफेंस। बड़े अफसोस की बात है कि ऐसी इस तरीके की सर्विसेज ले जाते, किसी की प्राइवेसी में एंटर हो जाते हैं हम, कितनी अफसोस की बात है। मैं सख्त सख्त मुतालबा करता हूँ कि इन दोनों रिजाइन करना चाहिए और दोनों को जेल को भेजना चाहिए, ताकि आने वाले हालात में कोई ऐसी किसी की प्राइवेसी में एंटर नहीं करना चाहिए, किसी की जासूसी नहीं करना चाहिए। खुदा हाफिज़।